अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा नाम मोइन खान और मैं सभी प्यारी प्यारी माता बहनों का और प्यारे भाइयों का इस चैनल के अंदर बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा ही चमत्कारी उपाय बताने वाला हूँ जिस उपाय को करके आप दो लोगों को हमेशा हमेशा के लिए अलग करवा सकते हैं। घर बैठे दो लोगों में झगड़ा करवा सकते हैं, दो लोगों में लड़ाई करवा सकते हैं घर बैठे, सिर्फ एक नींबू के माध्यम से। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है नींबू। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि नींबू एक ऐसा सामग्री होती है जिसे बड़े से बड़े टोटके के अंदर यूज़ किया जाता है। तो आज जो मैं उपाय आपको बताने वाला हूँ, सिर्फ नींबू के माध्यम से आप किसी भी दो लोगों को हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग कर सकते हो, हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर कर सकते हो। और इस उपाय की खास बात यह है कि इस उपाय को सिर्फ आप एक ही बार में आप जिसको भी आप अपने वश में करना चाहते हो, जैसे जो आपका वशीकरण किसी ने कर लिया है, वश में कोई कर लिया है, आपका पति, प्रेमिक, प्रेमिका, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, तो उस वशीकरण को ख़त्म भी कर देगा। एक तरीके से बोला जाए को वशीकरण को ख़त्म भी करता है। इसको बोलते हैं मनुच्चाटन। दो लोगों को अलग करने की क्रिया को मनुच्चाटन बोलते हैं और इसका मेन काम यह भी है कि ये वशीकरण को भी ख़त्म कर देता है। मान लीजिए कोई गलत लड़की, लड़का, प्रेमी, प्रेमिका, गलत किसी का वशीकरण कर दिया, तो अब उसको ख़त्म कैसे किया जाए? वो उसकी वश में हो जाएगा, उसकी बात मानेगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो वशीकरण को ख़त्म कैसे किया जाए? तो ये उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस वशीकरण के उपाय से वशीकरण को ख़त्म किया जा सकता है और दो लोगों को अलग किया जा सकता है, हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है, दो लोगों में लड़ाई कराई जा सकती है। ये ऐसा उपाय है नींबू के माध्यम से। करना किस तरीके से ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों आपको नाम लिखना है जिसको आपको अलग करना है। मान लीजिए लड़का है, लड़के का नाम है भानु, तो यहाँ भानु प्लस माँ का नाम लिखा जाएगा। अगर माँ का नाम नहीं पता तो खाली माँ भी लिख सकते हैं, इस तरीके से जैसे मैंने लिखा है। अब आपको यहाँ तीन क्रॉस के साइन इस तरीके से लगाने हैं और नीचे लड़के का नाम लिखना है, उसका, लड़की का, जिसको अलग करना है नानुस भानु से, तो उसका नाम है शीतल। शीतल प्लस शीतल की माँ का नाम, इतना आपको लिखना है। अब यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है सभी बॉक्स में इस तरीके से 999 लिख देना है। बस इतना आपको करना है। इतना करने के बाद ये इस तरीके से आपको किसी भी धागे से बांध देना है, इसको चाकू और नींबू को इस तरीके से बांध देना है। याद रखिए, जितना पेना चाकू आप लोगे उससे आपको इसको बांधना है। बांधने के बाद किसी भी जगह आप कूड़े में, कूड़े का ढेर हो या फिर चौराहा हो, कहीं भी नाले में कहीं भी फेंक सकते हो उसको। बस इतना काम करके आप इस उपाय को कर लो। यकीन मानो दोस्तों, अगर आपने इसको एक बार कर लिया तो आप किसी भी इंसान को घर बैठे लड़ा सकते हो, उनमें लड़ाई झगड़ा करवा कर उनको हमेशा के लिए अलग कर सकते हो। तो इस उपाय करिए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात होगी अगली नई वीडियो के साथ। और यदि कुछ सामग्री या कुछ सामान की ज़रूरत आपको पड़े, बेझिझक होकर दिए हुए नंबर पर जानकारी प्राप्त कर सकते हो, कुछ पूछना हो या कुछ करवाना हो। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।